वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग क्लियरली बताएं कि मेरी आवाज़ और वीडियो आप तक पहुंच रही है। धनंजय जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। चलिए सभी लोग एक बार बताइए क्लियरली कि वॉइस और वीडियो प्रॉपर आप तक पहुंच रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या। अंजलि जी गुड इवनिंग। तो चलिए, अभी आपका जो इनपुट आउटपुट है उसके 40 से 50 प्रश्न हमने कल शायद देखा था, 40 प्रश्न देख लिया था। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में लगवा दिया है, सभी लोग चेक कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन अभी आपका आया होगा कि एमसीक्यू इनपुट आउटपुट की लगा दी गई होगी, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। आज हम लोग मेमोरी पे डिस्कस करेंगे, मेमोरी होते ही मेमोरी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब आज तो नहीं हो पाएगा, कल तक। नो प्रॉब्लम, सब कुछ सही है। चलिए कमल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मेमोरी, ठीक है। अब यहां से जो प्रश्न आपका है, एक दो प्रश्न तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भाई, मेमोरी से एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और किससे कैसे मिलेगा वो मैं भी बता दे रहा हूं, ठीक है। मेमोरी को बेसिकली आपको दो प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक आपका जो बोला जाए जिसे इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हो और एक एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हो, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किस किस में हो जाएगा आपका, सब कुछ क्लियर है। देखो, इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हो, एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल सकते हो। इसको आप प्राइमरी मेमोरी बेसिकली जो यूज किया जाता है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और पूछता है ऐसा प्रश्न कि और किस किस नाम से इन सबको जाना जाता है। जैसे इसको इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, इसको जो है ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, ये ऑक्सिलरी मेमोरी भी होता है। इसी को एक नाम और भी है इसी का, इसी को आपको किस नाम से जाना जाता है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी पूछ देता है जनरल सा क्वेश्चन, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, इन सबके नाम से इनको जाना जाता है। रीता जी, आपने तो कमेंट ही ऐसा किया है, बंदर बना दिया है, तो उसको हम कैसे पढ़ लें बताइए। आपने जो कमेंट किया है उसमें तो सब बंदर बंदर बना हुआ मुझे दिख रहा है, तो हम सोचे वैसे ही बंदर बना के भेज रहे हो तुम लोग। अगला है ये प्राइमरी मेमोरी, इसको हम लोग टेम्पोररी मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है, कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन नामों से इनको जाना जाता है, प्राइमरी मेमोरी को ही टेम्पोररी मेमोरी, या सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी और परमानेंट मेमोरी से। अब प्राइमरी मेमोरी में आपके जो आ जाएंगे पार्ट वो कौन कौन से आते हैं। प्राइमरी मेमोरी में जब आप आ जाओगे तो यहां पे आपके जो मेन होती हैं, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में अगर आप आ जाओगे तो मेन आपका जो लिया जाता है यहां पर, कि जो इंटरनल मेमोरी होती हैं, यहां पे आपका हो जाएगा रैम और दूसरा हो जाएगा आपका रोम, ठीक है। इसी को इंटरनल मेमोरी भी जाना जाता है। और इंटरनल मेमोरी में और भी ऐसा नहीं है, और भी होती हैं। इसमें आप आ जाओगे तो यहां पे जब आप चले आओगे टेम्पोररी मेमोरी में, तो इसमें आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा। मैंने आर्किटेक्चर में पढ़ाया कि नहीं आपको, रजिस्टर हो गया, कैसे मेमोरी हो गई, ये भी सब क्या है, ये आपके सब सेमीकंडक्टर मेमोरियां होती हैं।
जितने भी इंटरनल हैं या प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हो, ये सब आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? बोलते नहीं हो, एक बार देख लेते हैं फिर बोलते नहीं हो तुम लोग। अब आ जाओ, अब रैम जो है, अब रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रैम के आपके दो पार्ट हैं, एक आपका है डी रैम बोला जाता है जिसको। डी रैम का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछ ले तो डायनामिक रैम, ठीक है। और एक है आपका एस रैम, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टैटिक रैम। रैम का फुल फॉर्म तो सब जानते होंगे, रैंडम एसेस मेमोरी। पूछता जाता है भाई इसमें और क्या पूछेगा, एसएस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। ये तो सब आता हो कि नहीं आता, ये भी नहीं आता तुम लोगों को, बताते रहो हाँ ना जवाब देते रहो, तब तो जानेंगे तुम लोग जिंदा हो। आ जाओ भी धनंजय, बताते हैं कि सबसे फास्ट कौन होता है और सबसे स्लो कौन होता है, एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा ये प्रश्न तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था, तुम गलत कर दिए प्रश्न पूछ के, इसका मतलब तुम लेक्चर नहीं देखे हो। सही सही बताना, पकड़ा गए तुम। इसका मतलब तुमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का लेक्चर नहीं देखा है, ये तो साफ क्लियर एंड कट है। नहीं तो ये प्रश्न नहीं जब आप पूछते। अच्छा धनंजय जी का प्रश्न है, सभी को कमेंट तो दिख नहीं रहा होगा, बोल रहे हैं रजिस्टर और कैसे में सबसे फास्ट कौन सा होता है। ये पहले बताओ कि अगर जिन्होंने मेरी क्लास आर्किटेक्चर की देखी होगी वो जान गए होंगे कि सबसे फास्ट कौन सी मेमोरी है, तो ये कॉन्क्लूजन निकलता है कि धनंजय ने क्लास नहीं देखी। अब सही सही बताना ईमानदारी के साथ कि तुमने पूरी क्लास देखी है या नहीं देखी है। देखे हो तो फिर से कंफ्यूजन है, ये बताओ मुझे। देखे हो तो एक बार उसे फिर देखना, क्योंकि इतनी बार मैं वहां पर जिक्र किया हूं इन सब का, मुझे याद है, ठीक है। डी रैम हो गया, एस रैम हो गया। अब जो आपका डी रैम है इसको भी फिर से आपको डिवाइड किया गया है, इसको बोला गया है आपका, एक आपका है एस डी रैम। एस डी रैम का मतलब था सिंक्रोनस, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। क्या हो गया, कुछ नहीं, इसमें बस आपका, ठीक है, कुछ हुआ नहीं इसमें। सिंक्रोनस का मतलब इसमें क्लॉक साइकिल में एक बार में ज्यादा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, इसको यूज किया गया एस डी रैम को, ठीक है। इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी रेट है क्लॉक स्पीड की 133 गीगा मेगाहर्ट्स है, मेगाहर्ट्स है, ठीक है, इसके क्लॉक साइकिल में इतने तेज वो फ्रीक्वेंसी पर, क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। दूसरा है इसका रैमबस, रैमबस एक कंपनी थी, उसने डीरैम बनाया था, और वो बेसिकली ये किसके लिए बनाया गया था, ये वीडियो जो गेमिंग होती है ना, जहां पर वीडियो गेमिंग पर्पस के लिए रैम बनाए गए थे, वीडियो गेमिंग के लिए इसकी स्पीड ज्यादा होती थी, 1 गीगाहर्ट्ज़ होती है इसकी स्पीड। और तीसरी आपकी जो बनाई गई वो डबल डाटा रेट, जो आजकल आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम कंप्यूटर में, डबल डेटा रेट एस रैम, डी नहीं, एस रैम नहीं, डी एस रैम, एस डी रैम। एस डी रैम का मतलब क्या हुआ, जो एस डी रैम है ना, ये सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी, इसी का ये पार्ट है, इसी का एक एडवांस वर्जन बोल सकते हो इसको। इसमें डबल डाटा रेट है, मतलब आप समझ सकते हो इसमें और प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अरे रुक जाओ भाई, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं एक एक करके चल रहा हूं, अभी रैम पर चल रहा हूं ना, इसी पर बात करेंगे। रुक जाओ, अभी बता रहे हैं टेम्पोररी मेमोरी कैसे होती है, ठीक है।
अभी एक बार बना लेने दो डिवीजन, आप लोग कॉपी में ये लिखो तो पहले, एक बार कॉपी में लिखो कि डिवीजन कर रहा हूं, ये ग्राफ बना रहा हूं तो आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आपके अभी समझाऊंगा तो आपको डायग्राम बना के, तुम लोग एकदम क्या बताया जाए। डबल डेटा रेट जो है इसी का वर्जन है एक तरह से, और इसी में फिर आगे आप जो आजकल यूज करते हो लैपटॉप में, तो बोलते हो DDR1, DDR2 और DDR3 और DDR4 भी आता है। ये रैम के क्या है, वर्जन है, वो किसके हैं, डबल डाटा SD रैम के ही आज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग हैं आज के समय में, ठीक है। DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 जाके देखना लैपटॉप का रैम निकाल के, ठीक है। अभी आ चाहते हैं हम लोग थोड़ा सा रोम के डिवीजन पे। रोम का डिवीजन किया जाए तो रोम आपका जो होता है, एक होता है एम रोम, फुल फॉर्म अभी हम लिखेंगे जब इंडिविजुअली पढ़ाएंगे, मास्क लिख लो, मास्क रैंडम एसेस मेमोरी, मास्क रोम। फिर आपका होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल ये फुल फॉर्म लिख लो भाई, यहां से प्रश्न पूछता है रैंडम एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस नहीं, रीड ओनली मेमोरी ना, रैंडम एसेस तो हट गया, रोम लिख दे रहे हैं पी रोम, ROM, रोम का फुल फॉर्म तो जानते हो। पी रोम के बाद आता है आपका ईपी रोम, ठीक है। ई का मतलब यहां पे बन अलग हो जाता है आपका, थोड़ा सा यहां पे आओगे इलेक्ट्रिकली नहीं, इरेजेबल हो जाएगा, इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, वही वही सब रहेगा। और थोड़ा सा आ जाओ, अब यहां पे आ जाएगा ईईपी रोम। अब यहां पे जो होगा वो इलेक्ट्रिकली हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरो, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब एक एक करके समझेंगे, बहुत बड़ा बन गया। तुम लोग बना लिए कि नहीं बना लिए, ये मेमोरी का डिवीजन बना लिए कि नहीं बना लिए, चलो इसको भी बना ही देते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होगी उसमें आपका हार्ड डिस्क SSD से बनाएंगे, उसके बाद से आपका फ्लॉपी डिस्क FD से कर लो इसको, फ्लॉपी डिस्क हो जाता है, उसके बाद से आपके कॉम्पैक्ट डिस्क CD से कर लो, और उसके बाद से आपके मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो ये हो गया, डिवीजन बना लिए एक बार, तो फिर मैं समझाना स्टार्ट करूं, तब पेन और पेपर रख देना और सिर्फ मेरी बातों को सुनना। बना लिए हो, चलो एक एक करके आओ। मेमोरी में जैसे मैंने कहा, इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या टेम्पोररी मेमोरी, इसका कहने का मतलब, कुछ लोग अभी पूछ रहे थे, कौन था, कमल जी पूछ रहे थे सर टेम्पोररी मेमोरी का मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने भी पहला लेक्चर नहीं, जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसने किसने नहीं देखा, ईमानदारी से बता दो कि सर मैंने नहीं देखा, क्योंकि वहां मैंने जिक्र किया है कि परमानेंट मेमोरी क्या होती है, टेम्प्रोरी मेमोरी क्या, टेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है, कोई काम टेम्प्रोरी चलाना, कहते हैं ना यार तुम भी बहुत टेम्प्रोरी काम करते हो, मतलब आज कोई काम किए उसका कोई वो नहीं है, पता चले कल वो बिगड़ गया, तो इसको क्या कहते हैं घर वाले, टेम्प्रोरी काम करते हो तुम, ठीक है, यही बोला जाता है ना। तो टेम्प्रोरी का मतलब होता है कि इसमें डेटा, क्योंकि ये जो मेमोरी होती है वो साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है, इसका साइज इसका स्मॉल होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है सबसे फास्ट होती भाई साहब, क्योंकि ये कैसे डिवाइस किससे बनी होती है, ये जो आपकी मैन्युफैक्चर होती है, मैन्युफैक्चर किसके थ्रू होती है, किस पे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से बनी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोला जाता है। ये जितने भी हैं रजिस्टर हो गए, कैसे हो गई, रैम हो गया, रोम हो गया,
ये सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी हैं। हाँ, इसकी और एक बात, इसका प्राइस ज्यादा होगा। क्या होगा? प्राइस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। प्राइस इसकी क्या होती है? हाई होती है। आप आज के समय में कितना रैम यूज कर लेते हो? बहुत 8 GB, 32 GB, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा यूज करोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन वही आप हार्ड डिस्क में देखो, 1 TB यूज कर लेते हो 3000 में, लेकिन 3000 में 1 TB रैम नहीं यूज कर पाओगे, उसकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। कहीं 2000, 1500, 1700 में तो 4 GB आता है सिर्फ आपका। अभी बताओ, टेम्पोररी का मतलब होता है कि यहां डेटा आपका हमेशा के लिए सेव नहीं होता है। मैंने आपको आर्किटेक्चर में एक चीज बताई थी, चलो दूसरे पेज पे आ जाते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताया था कि एक आपका सीपीयू होता है, ये समझ लो आपका क्या है, सीपीयू है। और सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर होता है, मान लो ये प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर मैंने बात किया था कि नहीं, तो प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी अटैच होती है जिसको बोला जाता है L1। L1 मेमोरी बात किया था कि नहीं, ये बताओ। मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बताया हूं कि नहीं, L1 क्या होता है? Level 1 इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Level 1 कैसे मेमोरी। ये मेमोरी आपके प्रोसेसर चिप में लगी रहती है, जो आपकी प्रोसेसर चिप आती है उसमें लगी रहती है। बाकी आपकी जो Level 2 है और Level 3 है, वो आपके बाहर होती है। ये कैसे मेमोरी आपकी बाहर होती है, उसके बाद से आपकी होती है मेन मेमोरी जिसको बोला जाता है। देखो, ये होती है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब होता है भाई साहब कि रैम, रैम और रोम, ये आपकी मेन मेमोरी है, ठीक है, इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। तो उसके बाद से ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी ये होती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज जिसको परमानेंट बोलते हैं। तो कोई भी हम अगर डेटा पहले कंप्यूटर आपका स्टार्ट करता है तो कोई भी चीज वो सेकेंडरी मेमोरी से पहले कहाँ आती है? मेन मेमोरी में आती है। फिर L1 से L3 से होते हुए L2 से होते हुए L1 तक जाती है। फिर आपका जो ये प्रोसेसर है ना, इसके प्रोसेसर के अंदर भी रजिस्टर होते हैं, जो रजिस्टर मैंने पढ़ाया था। फिर एक ही बात पूछ रहे हो, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं कमल जी? अभी रुकिए, मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, अभी मैं जो अभी टेम्प्रोरी या परमानेंट पे आए थे तो अभी टेम्प्रोरी बता रहा हूं। तो अब कूद के पूछ रहे हो रोम क्या होता है, एक बार सहूलियत रखो, थोड़ा धैर्य रखो भाई, ठीक है। तो ये वाला चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि L1 जो हो गया, ये आपके प्रोसेसर जो आपका ये चिप होता है ना, उसके अंदर होगा। और जो एक प्रोसेसिंग चिप होती है, उसके अंदर ही आपका रजिस्टर मेमोरी होता है, जिसमें आपका एक्यूमुलेटर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया, डाटा रजिस्टर हो गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, पॉइंट, ठीक है। ये सब किस में होते हैं? ये सब इस चिप में होते हैं, जो प्रोसेसिंग चिप होता है। तो वो रजिस्टर की सबसे फास्ट की अगर हम बात करें, सबसे फास्ट अगर ये देखो, रजिस्टर मेमोरी जो होगी वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, और उसका साइज उतना ही छोटा होता है, बहुत KB में चलता है, ठीक है। उसके बाद से फास्ट की बात करें, उससे जस्ट नीचे आपका आएगा कैसे मेमोरी। कैसे मेमोरी के बाद आपका आएगा रैम आएगा, ठीक है, रैम आएगा। उसके बाद से आपका जो मेमोरी आएगा वो आपका रैम हो गए, रोम हो गए, रैम और रोम आ गए, यहीं पे आ जाएंगे। और यहां पे आपके HDD हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी आ जाएगा, मतलब यहां पे जो आएगा वो प्राइमरी आपका मेन मेमोरी हो गया, इसको मेन मेमोरी कह सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके स्पीड के बारे में बात करूं, ये ध्यान दो, ठीक है, और उसके बाद से हम मैग्नेटिक टेप लिख लो। मैग्नेटिक टेप वही जो टेप रिकॉर्डर में रील वाला होता था ना, काला काला रील जो होता था। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड में कैसे होगा? देखो, स्पीड ऐसे तेज होगी, इससे तेज इसकी है, इसके तेज इसकी है, इसके तेज इससे है, इससे तेज इसकी है, समझ रहे हो? तो ये स्पीड का हो गया, स्पीड में ये हो गया, ऐसे स्पीड के उधर से। अगर हम आकार की बात करें कि साइज की बात करें, तो साइज में देखो, ये साइज हो जाएगा, इसकी सबसे कम साइज होगी, इसकी कम होगी, इससे मतलब इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी, इससे ज्यादा इसकी होगी। तो ये साइज से हो गया,
ठीक है, ये साइज के अकॉर्डिंग हो गया, ये ध्यान रखना, ये आपका अरेंज आता है कभी कभी, ठीक है। तो यहां पे ये कहा गया कि बार बार अगर सपोज करो कैसे मेमोरी नहीं लगेगी, अभी बोल रहे थे ना कि कैसे मेमोरी कौन फास्ट होती है, ये इसीलिए कि रैम में अगर कोई आपका कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो, चाहे वो वीडियो मीडिया प्लेयर हो चाहे वर्ड हो, वो रैम में खुलता है, लेकिन उसको सीपीयू तो मिलता है ना, सीपीयू काम करने के लिए मिलता है, उसके प्रोसेस को हैंडल करने के लिए। तो बार बार रैम से अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को करेगा, एग्जीक्यूट करेगा किसी भी प्रोसेस को, तो इतना इसको टाइम ज्यादा लगेगा। इसी वजह से कैसे मेमोरी बनाई गई, वो भी 3 लेवल की, ताकि आपको जब भी, क्योंकि अगर यहां से यहां पर कोई सीपीयू अगर कोई इंस्ट्रक्शन लेता है प्रोसेस करने के लिए, तो उसको 180 के अप्रोक्स 180 नैनो सेकेंड लगता है। 180 सेकेंड, नैनो सेकेंड में वो एक प्रोसेसर को यहां लेके आता है। लेकिन वही अगर कैसे मेमोरी बीच में लग जाती है, तो यहां से यहां पर अगर आपको कोई भी, ठीक है, अगर कैसे मेमोरी लग जाती है, तो सीपीयू को कोई डेटा फेच करने के लिए मात्र 45 सेकेंड लगता है। तो यहां क्या हो रहा है, टाइम आपका कम कर दिया ना, कैसे लग गया। तो कैसे का काम यही होता, भला ही इसका स्टोरेज कम होता है, क्योंकि ये बाद बाद में क्या होता है, उसमें से डेटा डिलीट होता रहता है, उसके मेमोरी से जैसे ऊपर गया वो चीजें बाहर होती चली जाएंगी, काम हुआ बस चीजें खत्म। जो भी चीजें हुई, मान लो किसी पे काम करना है, अभी ये प्रोसेसर P1 को कर रहा है, तो P2 ऑलरेडी इसमें पड़ा रहेगा, जैसे ये खत्म हुआ ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसको P2 को यहां से नहीं मांगना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सब सीक्वेंस में यहां पे आके लगा रहेगा, P2 P3 P4, बाकी और ऑलरेडी इसमें लगे रहेंगे। मान लो इसके लिए इसमें स्पेस सिर्फ P2 P3 P4 के लिए है, तो इतने प्रोसेस इसमें रहेंगे, P5 P6 P7 P8 प्रोसेस इसमें रहेंगे, सब अगर चार चार प्रोसेस को ले सकते हैं, तो जैसे इसमें से P2 यहां गया, ठीक है ना, तो यहां से एक P4 यहां पे आ जाएगा, तो ऐसे होता है इसमें। समझ में आ रहा है, एक बार हां ना बोलो, कुछ बोलो जल्दी से, ये समझ में आया कि नहीं आया। कैसे मेमोरी इसीलिए यूज किया जाता है कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो कंप्यूटर की, नहीं तो वो एक ही चीज को इतना लंबा प्रोसेस में ले, एक किसी एक टास्क को करने में उसको ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है। और अंदर भी रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर मेमोरी और भी फास्ट होती है कैसे से, उसमें जब डेटा चला जाता है, तो कभी डेटा को बस रजिस्टर से, चाहे डाटा रजिस्टर में भेजना, चाहे इंस्ट्रक्शन को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब वो इसमें होता है, वो मैंने आर्किटेक्चर में पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो उसको देख लेना भाई, ऐसा मत करो। आ रहा है ना, तो समझ गए, तो वो चीजें होती है इसीलिए, क्योंकि इसकी जो एक तरह से साइज होती है वो कम होती है, तो इसमें जो भी डेटा होता है, ये सभी जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी, रोम को छोड़कर, किसको, रोम को छोड़कर, ROM जो लिख दिया मैंने, इसको छोड़कर सभी क्या होती हैं, वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं, चाहे वो कैसे मेमोरी हो, चाहे आपकी कैसे मेमोरी हो, चाहे आपकी रजिस्टर मेमोरी, सब वॉलेटाइल। लाइट ऑफ होते ही उसमें का डेटा पूरा इरेज हो जाता है, सिर्फ रोम को छोड़कर रोम का डेटा इरेज नहीं होता है। आप समझ में आया कमल जी, अभी ये समझ में आया, रोम और रैम में आप लोग कन्फ्यूज, तो भाई सीरियल वाइज चलोगे ना तो सब चीजें समझ में आएगी। तो ये चीजें वॉलेटाइल होती हैं, इसमें से डेटा उड़ता रहता है इसमें, क्योंकि एक तो स्पेस भी कम है, तो जितना इसकी भाई आदमी की जितना पावर होगा उतना ही काम क्षमता होगा उतना ही कर सकता है, उससे ज्यादा करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो ऐसे इसमें भी है, ठीक है। तो ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसको टेम्पोररी बोला जाता है, इसमें कोई भी डेटा परमानेंट नहीं सेव करते हैं हम, कोई भी डेटा, आप मूवी हो गया चाहे अपनी फाइल हो गया, कंप्यूटर में कहाँ सेव करते हो, हार्ड डिस्क में सेव करते हो ना, चाहे CD में चाहे पेन ड्राइव में सेव करते हो, तो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी में, इसीलिए उसको परमानेंट मेमोरी भी बोला जाता है। आप कभी भी रैम में डेटा सेव करते हो, नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें से डेटा उड़ने के चांस होते हैं। तो रजिस्टर और कैसे हमने क्लियर कर दिया आपको कि क्या होता है। हाँ, रोम जो होगा वो परमानेंट होगा, उसमें जो डेटा होगा वो परमानेंट होगा, ठीक है, इसीलिए इसको यहां पे प्राइमरी मेमोरी लिखना उचित होता है। टेम्पोररी लिखोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी थोड़ा सा अलग हो जाती है,
टेम्पोररी ऊपर नहीं लिखा जाता है, टेम्पोररी में सिर्फ आपके ये और ये आएंगे, ये तीनों आपके टेम्पोररी में आते हैं, रोम टेम्पोररी नहीं होगा। हाँ रोम तो परमानेंट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक, ये ध्यान रखना। अगर यहां पर टेम्पोररी है तो टेम्पोररी में सिर्फ यही रैम कैसे रजिस्टर, जिसकी डाटा ना सेव रहे वो भाई आपका क्या हो जाएगा, टेम्पोररी मेमोरी हो जाएगा, परमानेंट में आपका रोम हो जाएगा, ठीक है। यहां कंफ्यूज ना होना, ना होती सर टेम्पोररी हटा ही लो, टेम्पोररी इसको मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूं, ये जो होंगे ये तीनों जो होंगे वो टेम्पोररी मेमोरी होंगे, ठीक है, ये टेम्पोररी होंगे और ये आपका रोम जो होगा वो परमानेंट में शामिल हो जाएगा, ठीक। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग रैंडम एसेस मेमोरी। देखो आपको मेमोरी को एसेस करने के दो माध्यम होते हैं, किसी भी मेमोरी में आप कोई भी डेटा अगर एसेस करते हो तो उसके दो माध्यम होते हैं, एक होता है आपका सिक्वेंशियल और एक होता है आपका रैंडम, ठीक है। तो रैंडम आप कहां से डेटा ले सकते हो, जो रैम का, अगर मान लो रैम का एक कोई स्लॉट होगा, कहीं भी मेमोरी में स्लॉटिंग होती है ना, कोई भी डेटा आपके स्लॉट्स में क्या होते हैं, एड्रेस होता है, हर एक में एड्रेस होता है, हर स्लॉट का लाइब्रेरी की तरह होता है, हर स्लॉट का एड्रेस होता है, 01011 ऐसे एड्रेस होगा। तो आप कहीं से भी कोई भी डेटा आप तुरंत उठा सकते हो रैम में, ये खासियत होती है, रैंडम आप एसेस कर सकते हो, बीच से कहीं भी डेटा, कोई भी डेटा आपको पढ़ना हो तो जो भी चाहे आप सेल से कोई भी किताब उठा सकते हो। लेकिन सिक्वेंशियल में, सिक्वेंशियल का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसके जितने भी आपके मैग्नेटिक टेप हैं, ठीक है, या डिस्क है, डिस्क मतलब चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे सीडी डिस्क हो, उसमें आपका जो डेटा होता है वो आप सिक्वेंशियली उसमें से रीड करते हैं, उसमें आप सिक्वेंशियली पहले यहां पे जाओगे, फिर अगले पे जाओगे, फिर अगले पे जाओगे, फिर अगले पे जाओगे, तो ये ऐसे होता है, आप किसी पर्टिकुलर जगह से डेटा डायरेक्ट रीड नहीं करते हो, आप रेंडमली कोई डेटा नहीं रीड कर सकते हो। तो दो मेथड होता है डेटा रीड करने का, एक सिक्वेंशियल और एक रेंडम। ये सिक्वेंशियल कहां यूज होता है, मैग्नेटिक और डिस्क वाले में, मैग्नेटिक टेप और डिस्क में यूज होते हैं, और रेंडम जो होता है वो रैम में यूज होता है, किसमें होता है, रैम में होता है, ठीक है। तो ये दो हो गए, आ जाओ अभी, अब कहां थे हम लोग, उसके बाद रेंडम हमने बता दिया रेंडम एसेस मेमोरी क्या होता है, अब रोम में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा रोम के बारे में पढ़ लें। रोम क्या है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, और यहां पे अगर हम थोड़ा सा रैम ले लें, रैंडम एसेस मेमोरी, ठीक है। तो इसमें एक बात कि ये कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है ये वोलेटाइल होता है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है। सबसे खासियत जो इन दोनों की बात है वो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी होती है, लेकिन ये वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब कि जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होगा, इसमें से डेटा क्या हो जाएगा, आपका इरेज हो जाएगा। लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है, इसमें पावर ऑफ होने पर डेटा इरेज, डेटा आर नॉट इरेज्ड, ठीक है, यहां पर डेटा इरेज नहीं होता है। तो ये वोलेटाइल होता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है, समझ में आ गई बात को, ठीक है। अब इसमें जो है आपका, इससे जो बनता है, इसी का एक रोम आपके सिस्टम में, रोम कहां होता है कैसे जानोगे, तो जो बायोस चिप होती है उसी को रोम बोला जाता है, वही आपका रोम होता है। बायोस चिप जो होती है वो रोम होती है, एक सीमोस चिप होती है, सीमोस वाली, सीधे ये भी आपका, क्या आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो इसमें आपके जितने भी डेट और टाइम के फिक्स हैं वो कभी बदलता है क्या, ऐसा तो नहीं बार बार आपको टाइम सेट करना पड़ता है। सीमोस का फुल फॉर्म बताओ तो एक बार मुझे,
सीमोस जो चिप होता है जो आपके डेट और टाइम को सेव करके रखता है कि आपका सिस्टम बंद भी हो जाए तभी भी, वो भी एक तरह का रोम ही है। जो सीमोस भी है वो एक तरह का क्या है, रोम की कैटेगरी में आता है। इसका फुल फॉर्म बताओ, इसका फुल फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जो भी डेट है टाइम है ये सब चीजें आपकी इसमें रहती है सेव, तो आपका सिस्टम बंद भी होता है। हाँ, सीमोस बैटरी, तो वो आपका क्या करता है कि जब आप ऑन करते हो तो बार बार आपको टाइम और डेट नहीं सेट करना होता, वो ऑलरेडी उसमें पहले से सेव होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से रोम होता है। जो बायोस है, बायोस भी एक रोम चिप होता है। जो बायोस की चिप होती है वो मैन्युफैक्चरर द्वारा, जो मैन्युफैक्चरर होता है उसमें आपका कुछ प्रोग्राम किया होता है, कुछ प्रोग्रामिंग किया होता है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो प्रोग्रामिंग बेसिकली आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो वो एक इंस्ट्रक्टिव प्रोग्रामिंग होती है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, बायोस का फुल फॉर्म पहले एक बार देख लो, बायोस का क्या होगा फुल फॉर्म, ये भी पूछा है कई बार। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मजा आ रहा है? पहले बताओ, पहले सब लोग बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां पर जो बायोस है वो रोम में एक प्रोग्रामिंग, उसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले से इसमें बना के देता है कि जब भी आपका पावर बटन ऑन करते हो, दबाते हो लैपटॉप का, तो पहले बायोस की प्रोग्रामिंग रन करती है, और जैसे ही रन करती है तो बायोस में जितने इंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ चेक करता है कि आपका मदरबोर्ड प्रॉपरली कनेक्ट है, आपका रैम कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, आपके ये जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस आपके सिस्टम से कनेक्ट, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं, कोई बस चाहे जो भी आपके इंटरनल सर्किट है कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा है। अगर कोई दिक्कत है, सपोज करो रैम आपकी अच्छे से नहीं लगी, ढीली है, ठीक है, तो वो टी 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 की साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। कोई भी समस्या, हार्ड डिस्क में कोई समस्या है तभी भी वो आपका साउंड प्रोड्यूस करने लगेगा। एकदम मजा आ रहा है? चलो मजा आना चाहिए बस। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे बायोस का काम ये होता है कि वो पूरा तरह से चेक कर डाले, फिर आपको क्या करता है, अगला स्टेप क्या होता है, इसी बायोस में एक प्रोग्रामिंग होती है जिसको बोला जाता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूट स्ट्रैप बोला जाता है। बूट स्ट्रैप का प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है, ये पहला प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट करता है, और ये एग्जीक्यूट करता है जब सब कुछ चेक हो जाता है। तो इसका काम क्या होता है, बूट स्ट्रैप का मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है, तभी आपका लिख के आपको आइकन बन के आता है, विंडो वाला बन के आएगा जब सब कुछ चेक हो जाता है। अगर आपके में कोई दिक्कत है तो वो विंडोज वाला आइकन बन के आएगा ही नहीं, ठीक है, वो पहले ही ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, कुछ इंस्ट्रक्शन देगा कि आपकी हार्ड डिस्क मिसिंग, चाहे रैम की मिसिंग की, या बीप साउंड देगा। तो बूट स्ट्रैप लोडर का काम क्या होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करेगा। सब पढ़े हो क्या तुम लोग? जी अजय जी, बाद में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं सब बताए, सिर्फ एक लोगों ने बताया। मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? चलो मजा आना चाहिए अगर नहीं आ रहा। तो ये बूट स्ट्रैप लोडर होता है, यहां से भी प्रश्न पूछा है, इससे भी पूछा है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करना। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है जब बूट स्ट्रैप की बात आई कि दो प्रकार की बूटिंग होती है, वो बूटिंग कौन कौन सी होती है भाई, बताओ थोड़ी। एक की वार्म बूटिंग होती है और दूसरी आपकी क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है, और इसी को और नाम से भी जाना जाता है, कौन कौन सा नाम है?
नहीं बताओगे? वाम बूटिंग को क्या कहा जाता है भैया? वाम का मतलब हो गया हार्ड, इसको हार्ड बूटिंग भी बोला जाता है, और कोल्ड का मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट। ठीक है? नहीं, यहां पे अलग है। वाम को बोला जाएगा यहां पर सॉफ्ट, और यहां पर इसको बोला जाएगा हार्ड, हार्ड बूटिंग। दूसरा नाम अगर कह दे आपसे तो क्या होता है, ये भी होता है। वाम बूटिंग का मतलब हो गया कि जब आप सिस्टम को क्या करते हो, रीस्टार्ट करते हो, जब रीस्टार्ट करते हो। और यहीं से प्रश्न एक और बनता है कि वॉर्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल, डिलीट जब कर देते हो तो एक लास्ट में नीले कलर का स्क्रीन आ जाता है, उसी में टास्क मैनेजर रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, तो इसी को बोला जाता है। कंट्रोल आल्ट डिलीट को वॉर्म बूटिंग का शॉर्टकट की भी बोला जाता है। नहीं, जब आप रिस्टार्ट करते हो, जब आप रिस्टार्ट करते हो, हाँ, वाम मतलब होता है रिबूट। वाम का मतलब जब आप रिस्टार्ट करो इसको, तब वाम बूटिंग होती है। कोल्ड का मतलब जब आप पावर बटन दबाकर, पावर बटन से जब सिस्टम को ऑन करते हो, तब ये क्या कहलाता है, सिस्टम आपका ऑन होता है, तब वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। समझ रहे हो? पावर बटन से जब करते हो तो। चलो, आ रहा है ना मजा? आना चाहिए। तो ये समझ में आ गई, तो ये चीजें आपको आ जानी चाहिए। ठीक है? तो आप समझ गए, सीमोस हो गया, बायोस हो गया, पूरा इसका बूट स्टेप क्या होता है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, यहां से प्रश्न आपके बनाए जाते हैं। तो रोम हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा रैम की तरफ बढ़ेंगे। रोम का हमने मैक्सिमम चीजें देख लिया, जहां से प्रश्न आपके उठाए जाते हैं। चलो, अभी रोम के टाइप पे आएंगे आगे, बाकी बाद में। ठीक है? अभी रैम में आपके दो प्रकार से होते हैं। एक तो जान लो कि ये वॉलेटाइल होता है भाई, इसमें जैसे पावर ऑफ होगा डेटा खत्म। रैम आपकी दो प्रकार से होती है, और रैम को सबसे पहले, रैम वॉज इन्वेंटेड बाई, सबसे पहले जो आपका इन्वेंट हुआ था, रॉबर्ट डिनार्ड। 1980 की बात है शायद ये, 1968, नहीं सॉरी 1968, कॉमर्शियली इसका 80 में हुआ था और रोम हुआ था 1968 में, रॉबर्ट डिनार्ड, इन्होंने ही आपका डीरैम का आविष्कार किया था, वहीं से आपका रैम आया, डायनेमिक रैम का। ठीक है? आप कहोगे सर जी रोम का कौन किया, तो रोम में यार दो कहीं कहीं आपको पूरा एग्जैक्ट नहीं मिलता है। सबसे पहले बोला जाता है रोम का सबसे पहले यूज सोनी ने किया था। किसने किया था? कॉमर्शली इसका जो यूज है, एक तरह से पूरा 100% नहीं मिलता है, कॉमर्शली यूज जिसका सोनी ने किया था, लेकिन इन्वेंट कौन किया था? कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे क्या है कि डॉन कॉन्ग एंड सीमन जोंग, ये दो लोग थे जो एक एमओएस की सर्किट बनाए थे। अंजलि जी, इसका शॉर्टकट की नहीं होता है, इसका पावर, जो आपका कोल्ड बूटिंग होता है, इसका शॉर्टकट की नहीं होगा, क्योंकि वो पावर बटन से ऑन हो रहा है ना, मैनुअली चीज हो रही है, डायरेक्ट आप वो नहीं कर सकते उसको ऑन बिना पावर बटन दबाए। ठीक है? बोला जाता है डीओवी फॉर ये, देखो ये कहीं कहीं अलग अलग मिलेगा। इन्होंने क्या किया था, इसी के हेल्प से प्रोग्रामेबल पीरोम बनाया था इसने। इसने क्या बनाया था? पीरोम बनाया था। अब रोम का किसने किया, इसने क्या किया, एक एमओएस जो डेवलप किए थे, एमओएस इन्होंने, लोगों ने एक मेमोरी डेवलप किया था जो टॉन डॉन, DAWON, डॉन खांग। ठीक है? कहांग है यही नाम था शायद। ठीक है? खांग, डॉन खांग ने एक मेमोरी डाउनलोड किया, मतलब मेमोरी बनाया, एमओएस की मेमोरी बनाया मेटल ऑक्साइड की, उसी को इन्होंने क्या किया, आगे चल के पीरोम में कन्वर्ट किया इन्होंने।
लेकिन इसका एग्जैक्ट नहीं मिलता है तो रोम का नहीं कोई पूछेगा आपसे, ठीक। रैम का पूछ सकता है, इन्होंने किया था रॉबर्ट डिनार्ड ने। हार्ड ड्राइव का पूछ रहा है, हार्ड ड्राइव का पूछ सकता है। हार्ड डिस्क का किसने किया, एसडीडी का जो इन्वेंशन किया वो आपका आईबीएम जो है ना, इसने आईबीएम ने और एक लोग और थे उन्होंने किया था, रियोनॉल्ड इन दोनों ने मिलकर किया था, आईबीएम कंपनी और रेनॉल्ड ने मिलकर हार्ड डिस्क का आविष्कार किया था, ठीक है। आ जाओ, अभी हम लोग क्या थे कि रैम पर थे, अभी हम लोग रैम पर थे, और रैम को दो प्रकार में बांटा गया है जैसा मैंने आपको बताया। एक आपका है इसमें डी रैम, जिसको बोला जाता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना, इसमें डायनेमिक का मतलब होता है, पहले इसका मींस होता है चेंज, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज। और एक होता है आपका एसरैम, एसरैम मतलब हो गया स्टैटिक, स्टैटिक रैम। स्टैटिक का मतलब एकदम फिक्स होना, फिक्स या फ्रीज होना, एक तरह से बोल सकते हो फिक्स रहना। अब डीरैम जो बनाया गया, इसकी जो सर्किट बनाई गई, इसमें आपके ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर मिलाए गए थे, ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर से बना था आपका। और ये रिफ्रेश होता है, ये मेमोरी क्या होती है, रिफ्रेश होती है, इसीलिए यहां पे इसका क्या होता है, ये रिफ्रेश होती है, मेमोरी रिफ्रेश होती है, ठीक है। और इसीलिए इसका यूज जो होता है, इसीलिए इसका रिफ्रेश किसके कारण होती है, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, इस प्रोसेस के कारण जो होगा आपका ये मेमोरी रिफ्रेश होती है, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो पर्टिकुलर टाइम पर रिफ्रेश होगी, डायनेमिक। सर एग्जाम का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों, हाँ दोनों लैंग्वेज में आएगा ये, नहीं ये पूछ नहीं सकता। रीता जी, साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछेगा तो रैम का पूछेगा और हार्ड डिस्क का पूछेगा, रोम का विवादित है, ठीक है। आ जाओ, गुड इवनिंग माधव जी, बहुत लेट आ रहे हो तुम लोग। रिफ्रेश होता रहता है, साथ ही साथ एक चीज और, समझ में आ गया, तो ये रिफ्रेश होता रहता है डीरेम, इस वजह से ये क्या होता है, थोड़ा सा डायनेमिक जो रैम होता है इसकी प्राइस जो होती है, इसकी प्राइस, क्योंकि कैपेसिटर लगा भी रहता है ट्रांजिस्टर, तो कैपेसिटर ट्रांजिस्टर में ये प्राइस इसकी जो होती है लेस होती है कंपेयर टू एस रैम की अपेक्षा, ठीक है। एस रैम की अपेक्षा इसकी प्राइस जो होती कम होती है। यहां पे बोल दिया जाए तो इसमें ये फिक्स होता है, जो भी डेटा होगा ये सिर्फ मेड बाय, ये इसका जो होता है ये ट्रांजिस्टर से ही बना होता है, इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है, इसमें ट्रांजिस्टर से बनता है, कैपेसिटर नहीं लगता है, इसीलिए इसमें रिफ्रेश नहीं होता, ये मेमोरी जो होती है वो रिफ्रेश नहीं होती है, ये ध्यान रखना। और इसका जो यूज होता है वो रैम के लिए ही होता है, बट कॉली रैंडम एसेस मेमोरी के लिए। और इसका जो होता है, इस जो एस रैम होता है ना, स्टैटिक रैम, ये एस रैम है, ये कैसे मेमोरी में यूज होती है, किसमें, इसी से कैसे मेमोरी बनाई जाती, क्योंकि इसे रिफ्रेश नहीं होता है, ध्यान रखना, कैसे मेमोरी इसी से बनाई जाती है और ये रिफ्रेश नहीं होता, नॉट रिफ्रेश्ड, क्योंकि कैपेसिटर यहां नहीं लगा हुआ है, समझ गए। स्पीड इसकी फास्ट होती है, फास्ट होगी कंपेयर टू डी रैम। प्राइस इसकी जो होगी वो हाई होगी कंपेयर टू डी रैम। और क्या होगा, स्पीड इसकी फास्ट होगी, जानते हो कैसे कि स्पीड फास्ट होती है, प्राइस इसकी हाई होगी, ठीक है। और इसकी अगर स्पीड करें तो इसकी स्पीड लेस होगी कंपेयर टू एस रैम, समझ गए।
इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीजें एसरैम और डीरैम से रिलेटेड हैं। चलो अब इसके बाद भी मैंने कहा आपको डायनेमिक रैम को डीरैम को और पार्ट में डिवाइड किया गया, वो क्या थे आपके एस डी रैम। एस डी रैम का मतलब होगा सिंक्रोनस मतलब क्लॉक का जो साइकिल होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है कि एक बार में कितनी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट कर रहा है उसके साथ वो सिंक्रोनाइज कर जाए। तो यहां पे सिंक्रोनस एस डी रैम बनाया गया, ठीक है। उसके बाद से मैंने बताया कि रैमबस बनाया गया, रैमबस कंपनी ने बनाया, वीडियो गेमिंग के लिए बनाया था इसको बेसिकली, और इसी का एक एडवांस वर्जन एस डी रैम का, ठीक है, एस डी रैम का एक वर्जन आया जिसको बोला गया डबल डेटा रेट एस डी रैम, जो आज DDR, इसी को बोला DDR के नाम से जाना जाता है। तो DDR1, DDR2 इसी के वर्जन है, ठीक है, जो यूज होते हैं ये स्पीड पे ही यूज होते हैं। जैसा जैसा आपका समय बीतता गया स्पीड इसकी बढ़ती गई, तो वही DDR1, DDR2 में डिवाइड होता चला गया, समझ गए। तो ये डायनेमिक रैम हो गया। हाँ चलो, अब ये हो गया इतना स्टैटिक। आप चलो अगला आते हैं। अब क्या है, डायनेमिक हो गया, स्टैटिक हो गया, एसडी रैम हमने आरएमएस भी बता दिया, डबल डेटा रेट के बारे में भी बता दिया, सब बता दिया। अब इसी में एक डीरैम का पैकेज आता है, स्लॉटिंग पैकेज कहा जाता है, जो आपका डीरैम होता है ना, डीरैम का पैकेजिंग एक आती है, पैकेजिंग जो होता है, बोला जाए मदरबोर्ड में इसकी क्या क्या मेन टाइप होता है मदरबोर्ड में, स्लॉटिंग के बेस पर कि इसको कनेक्टिविटी के बेस पर दो पार्ट में बांटा गया, SIMM और DIMM। अब ये तो विलुप्त हो चुका है, सिंगल इनपुट लाइन मेमोरी मॉड्यूल, ये 32 बिट इसमें आपका बस यूज होता था, कोई भी अगर डेटा ट्रांसफर के लिए 32 बिट यूज होता था। तो अब 32 बिट का आना ही नहीं रहा, अब आ गया ये डबल इनपुट लाइन मेमोरी मॉड्यूल। अभी देखते हो जो आपका रैम का चिप होता है वो आपका बीच में ऐसे कटा होता है, दो स्लॉट होता है ऐसे, एक स्लॉट मतलब ऐसे होता है कुछ कटा टाइप का, तो एक बार स्लॉट में ये वाला इधर फिक्स होता है, इधर वाला ये फिक्स होता है, ऐसे ऐसे वो स्लॉट में होता है, उसी को बोलते हैं डबल इनपुट लाइन मेमोरी मॉड्यूल। ये 64 बिट होता है और 178 पिन होता था, उसमें 68 या 72 पिन होते थे जो कनेक्ट करने के लिए होते, इसमें डबल इनपुट लाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है, यही आजकल यूज हो रहा है DIMM, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई जनरल सी, फॉर फुल फॉर्म याद रखना, SIMM का फुल फॉर्म क्या हो गया, DIMM का फुल फॉर्म क्या हो गया, मैक्सिमम यहां से फुल फॉर्म से प्रश्न होगा, आ जाओ हो गया। अब क्या है बचा आपका, चलो स्टैटिक रैम बना बता दिया, अब रोम का थोड़ा सा पार्टीशन कर ले हम लोग, रोम के पार्टीशन पे आ जाते हैं, रोम पे आ जाएं तो रोम को आपका डिवाइड किया गया है सबसे पहले आपका MOS में, ठीक है, MROM मास्केबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म। अब इसका क्या खासियत है, इसके इस MROM में क्या होता था कि जो आपका मैन्युफैक्चरर होता था वो एक बार इसमें प्रोग्राम डाल के जो रोम की चिप आती थी वो आपको मार्केट में चाहे जो भी आपके कंप्यूटर बनाने वाले हैं उनको दे दिया, ठीक है, वो आपको चिप, उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो,
ठीक, ये हो गया। उसके बाद से इसी का थोड़ा सा और आगे आया कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, बाद में अगर कोई दिक्कत हमें हुई, कोई प्रोग्राम में चेंज करना पड़े। और ऐसा नहीं है, जो एमरोम रोम होते हैं वो कई जगह यूज होते हैं। रोम बेसिकली क्या है, फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस कहलाती हैं। इसको माइक्रोवेव ओवन में, वॉशिंग मशीन में, जो आपके ऑटोमेटिक कार वाले आते हैं, जो बच्चों के खिलौने आते हैं, उसमें बहुत से सामानों में रोम का यूज किया जाता है। ठीक है, उसी में उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो उसी में अगर मान लो वॉशिंग मशीन की प्रोग्रामिंग में कोई नया चेंज लाना है, कोई नया वर्जन लाना है, कुछ नए चेंजेस करना है, तो भैया ये तो दिक्कत हो गई बार बार मैन्युफैक्चरर को। अब ये एक बार मैन्युफैक्चरर ने दे दिया तो वो मैन्युफैक्चरर खुद भी उसको नहीं चेंज कर सकता है उस चिप में। तो नई चिप बनाई गई जिसको बोला गया पीरोम। पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यह कहा गया कि आपको एक चिप मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर यूजर नहीं कर सकता था, यूजर इन द सेंस जो मान लो कि कोई मैन्युफैक्चरर है, एक एक तो आपका यहां पे यूजर वो हो गया कि मान लो वॉशिंग मशीन बनाने वाला वो यूजर हो गया। किसका यूजर हो गया, जो आपके चिप कंपनी है, जो चिप कंपनी बना के दे रही है, आईसी बना के दे रही है रोम की, उसका यूजर हो गया। तो वो वहां से परचेस करता था, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग कौन किया रहता था, चिप कंपनी वाले किए रहते थे। लेकिन यहां पर पीरोम में एक खासियत मिल जाएगी कि अगर वॉशिंग मशीन वाले कंपनी जो बनाने वाली है तो उसको रोम दे दिया जाएगा खाली। वो कहेगा ठीक है, तुम अपना प्रोग्रामेबल जो भी आपके पास आपके प्रोग्रामर होंगे उनसे आप अपने अकॉर्डिंग बनवा लीजिए। हो सकता है कि आपके दिमाग में ना आए, आपने हमारे पास ये बोला कि ये कोडिंग, ये प्रोग्राम इसमें आप रोम में डाल दो, एम रोम में, और बाद में आपको याद आ रही एक चीज छूट गया था, वो हम नहीं दे पाए आपको, वो चीज हमारे तक पहुंचने में लेट हो गया, तब तक हमने रोम में प्रोग्रामिंग डाल दी, तो अब वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इसमें क्या है, अभी आपको चिप दे दी गई, जो आपका वॉशिंग मशीन बनाने वाला है, चाहे माइक्रोवेव ओवन बनाने वाला है, आराम से इत्मीनान से वो प्रोग्राम पे अच्छे से काम करेगा, देखेगा उसके प्रॉन्स कॉन्स क्या क्या हैं, हर एक समस्या का समाधान निकाल लेगा, तब जाके वो प्रोग्राम को इसमें लिखेगा। तो यहां पर यूजर जो है प्रोग्राम कर सकता है एक बार। ठीक है, प्रोग्राम जो है मेमोरी में कर सकता है ओनली वन टाइम, एक बार कर देगा, फिर वो भी नहीं चेंज उसमें कर पाएगा। अब कुछ चेंज भी करना पड़ेगा तो इसमें नहीं कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि भाई इंसान है आदमी, भगवान तो है नहीं, कुछ उससे छूट ही गया, कोई एरर होने लगा, तो अब क्या करेगा, मशीन आपकी उसकी मार्केट में बिक रही है, कुछ चीजें उससे छूट गई, कस्टमर का जब वो आता है रिव्यू हर एक इक्विपमेंट में कि अरे यार ये सही नहीं काम कर रहा है, तो वो समझ जाता है कि इस चीज में गलती है। लेकिन अब क्या करे, वो आगे में सुधार सकता है, जो चला गया माल उसमें तो सुधार नहीं सकता। तो उसके लिए फिर एक नया आपका यहां पे आया इसी का, उसे बोला गया ईपी रोम। ईपी रोम में एक सुविधा दी गई इरेजेबल की। इरेजेबल का मतलब आप इरेज कर सकते हो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। और रीड ओनली मेमोरी का मतलब इसमें आप सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते हो, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि यूजर एंड से हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं उसमें। समझ में आ रहा है, बोलो हाँ ना जल्दी से। ठीक है, इरेजेबल में क्या हुआ, एक सुविधा कि यहां पे भाई इरेज नहीं कर सकता था यूजर, उसको ध्यान में आया कि हाँ हो सकता है ये फॉल्ट जा रही है हमारे मशीन में, अब उसको समझ में आया, तो अब ये मार्केट में आ गया। जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ती रहती है तो आविष्कार होता रहता है, ऐसे ही यहां पर हुआ, इरेजेबल आ गया। यहां पर आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट का समय लगता था एक बार डेटा को, और यहां पर पूरा का पूरा डेटा इरेज करना पड़ता था। मतलब हो सकता है कि किसी एक सेगमेंट में आपकी गलती हो प्रोग्राम के, कोई एक सेगमेंट आपका सही से काम ना कर रहा हो प्रोग्राम का, तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, यूवी रे के थ्रू, अल्ट्रा वायलेट यूवी रे के थ्रू क्या करना पड़ता था, डेटा को इरेज किया जाता था, रोम के जो चिप थी
उससे पूरा डेटा इरेज हो जाता था 40 मिनट में। लेकिन हां, सिंगल आपका एक बार इरेज्ड हो गया, समझ में आ रहा है ना? चलो तो हां, बीच बीच में ऐसे बोलते रहो। एक बार डेटा आपका इरेज हो गया तो फिर आपका वो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, फिर आप उसमें नहीं कर सकते हो। और एक तो इतना टाइम भी लेता था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में एक बार इरेज हो गया, इजुबीरे के थ्रू आपने कर लिया और फिर आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हो, बस ये सुविधा इसने दिया ईपीरोम ने। ठीक है, तो अब हो गया। लेकिन ये जो था ना 40 मिनट का समय, और फिर बाद में आप इसको इरेज नहीं कर सकते थे, और इरेज भी करोगे तो पूरा प्रोग्राम ही इरेज होता था, कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं हम इरेज कर सकते थे। ये सब डिमेरिट थी। इन डिमेरिट को फिर किस में सॉल्व किया गया? ईईपी रोम में। यहां पे सुविधा दी गई इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरो, पीरो मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? फुल फॉर्म या मैक्सिमम जगह पूछा है। देखो, रोम और पीरोम में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, रोम का ही आपका एडवांस वर्जन है और कुछ नहीं है, ये रोम के पार्ट हैं। आजकल जो यूज हो रहा है इन सबको मिला के इनको रोम ही बोला गया, क्योंकि इनका जो फंडामेंटल एक क्या है कि ये लोग डेटा को सेव रखते हैं, इसीलिए उसको रोम बोला जाता है। पीरोम ईरोम ये सब वर्जन है अलग अलग, जब उनमें कमियां आती गई, ठीक है, उसको ही बोला है। जो आपका बायोस आता है उसको क्या बोलोगे? बायोस आज के जमाने में जो आ रहा है वो चेंज हो जा रहा है, पहले के बायोस में आप चेंज नहीं कर सकते थे प्रोग्रामिंग, तो वो क्या होती थी? वो एमरोम होता था। लेकिन आज के समय में जो आपके बायोस की चिप आ रही है वो ईपी रोम की आ रही है, ठीक है माधव जी? तो ये है चीजें, ये सिर्फ आपके हर एक चीजें होती ना कि किसी चीज का वर्जन चला आता है, अब विंडोज के वर्जन में अपग्रेड करते गए, तो वही चीजें यहां पर है। चलो आ जाओ, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पीरोम जो हो गया, यहां पर आपको जो समय लगता था एक बार इरेज करने में शायद मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड का काम होता था इसमें, मतलब बहुत कम समय में, मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में इरेज हो जाता था इलेक्ट्रिक से। तो ये टाइम आपका हो गया सेव। आप यहां पर थाउजेंड से कितनी बार भी चाहो, थाउजेंड्स ऑफ टाइम इसमें इरेज कर सकते थे, ठीक है? जितनी बार चाहे उतनी बार प्रोग्राम को इरेज कर सकते हो, बना सकते हो। साथ ही साथ आप पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को, पर्टिकुलर सेगमेंट को भी यहां पर इरेज करने की फैसिलिटी आ गई। तो ये फैसिलिटी ही तो बढ़ रही है, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो हमारी फैसिलिटी बढ़ रही है, तो फैसिलिटी ही वर्जन होती है, समझ में आ गया? तो इरेज करने में यहां पे दिक्कत आ रही थी, एक बार इरेज करना पर्टिकुलर से। हमें अगर पता है कि कोई प्रोग्रामिंग में वॉशिंग मशीन के घुमाने में चाहे उसका टाइम कंप्लीट होने पर पर्टिकुलरली बंद नहीं हो पा रहा है, तो हम बस उतने के प्रोग्राम में चेंज करेंगे ना, ठीक है? हम पूरा क्यों प्रोग्राम वॉश करें भाई? प्रोग्रामिंग बर्न करने में भी टाइम लगता है, इसी को जो प्रोग्रामिंग बर्न किया जाता है, इसको एक हार्डवेयर के थ्रू किया जाता है, उसको प्रोग्राम बर्नर कहा जाता है। प्रोग्राम बर्नर, हम लोग जब उसमें थे बीटेक में, तो हमने एक अपना वो बनाया था, क्या बोला जाता है यार, प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट जो था वो वाटर लेवल कंट्रोलर विद द हेल्प ऑफ पीरोम से था, ठीक है? तो मैंने कितने पीरोम चिप खरीद डाले थे, क्योंकि कई बार प्रोग्राम मेरे गलत हो जाते थे, ठीक है? मैं वो चीजें एक बार में हम लोग ग्रुप वाले सोच नहीं पाए, तो एक बार मैंने प्रोग्राम बर्न कर दिया बर्नर से, तो भाई वो हो गया, ठीक है, पीरोम में। तो फिर क्योंकि पीरोम सस्ता मिलता है, जितना ज्यादा एडवांस जाओगे उतना ही चीजें महंगा मिलती जाएंगी, ठीक है? तो फिर दूसरा चिप खरीद के लाते थे मार्केट से, फिर उसमें हमने प्रोग्राम किया कि हाँ इस लेवल को, उसको बर्न किया। तो वो आप कोई भी कर सकता है,
वो आपके इंस्ट्रक्शन मोड में होती है प्रोग्रामिंग, जिसको असेंबलिंग लैंग्वेज बोला जाता है ना, उसी मोड में होता है। ठीक, तो ये होता है प्रोग्राम बर्नर से किया जाता था। तो यहां ये सहूलियत प्रदान, जितना बार चाहो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में आपको अगर दिक्कत आ रही प्रोग्राम के, तो बस उस सेगमेंट को डिलीट करो, वहां नया प्रोग्रामिंग बर्न कर दो। ठीक है, तो वो चीज आपका यहां पर सहूलियत दिया गया, तो इसको ईईपी रोम बोला गया। हाँ, समझ में आ रही है इतनी बात। तो ये आपका पूरा का पूरा रोम भी खत्म हो गया। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? इसमें कोई समझने में दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत, समस्या, कोई परेशानी? जल्दी से बताओ, अभी तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो चलो, तो आगे अब हम लोग हार्ड डिस्क वाले को पढ़ लेते हैं। आज मेमोरी को किसी तरह फिनिश कर देंगे। ये पूरा हो गया, रोम को मैंने बता दिया। अब सेकेंडरी मेमोरी के डिवीजन पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जिसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, रोम को भी परमानेंट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कॉपी रंगा गई है तो कॉपी रंगना ही चाहिए, तभी तो मजा आएगा। सेकेंडरी मेमोरी इसको परमानेंट भी बोलते हैं, और क्या मैंने बताया, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट और ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। चलो आते हैं, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, जो सबसे इसका फेमस पार्ट है वो है आपका हार्ड डिस्क, HDD। ठीक है, हार्ड डिस्क, इसमें यूज क्या होता है, मैग्नेटिक टेप्स यूज होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जो नहीं, फ्लैश ड्राइव आपकी अलग होगी, फ्लैश ड्राइव जो होगी वो अलग है, वो सेमीकंडक्टर से मिला के बनती हैं। फ्लैश ड्राइव का मतलब जो आप पेन ड्राइव देख रहे हो ना, जो फ्लैश ड्राइव है वो सेमीकंडक्टर ही होता है, लेकिन जो पेन ड्राइव और ड्राइव देख रहे हो आज के समय में, फ्लैश ड्राइव का एक एग्जाम्पल बताओ जो काफी यूज में है, जो हार्ड डिस्क से भी फास्ट है। फ्लैश ड्राइव की स्पीड फास्ट होती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है SSD। कौन सी है सबसे? फ्लैश ड्राइव में आपका जो पेन ड्राइव होता है वो भी फ्लैश ड्राइव है, वो भी सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, और उसी में आप कंप्यूटर में इंटरनली लगने वाला डिवाइस ड्राइव बन गया है, जिसको बोला जाता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी किससे बना है? सेमीकंडक्टर से, इसीलिए महंगा आता है। अगर ये 200, आप 200, हाँ 250 GB अगर लगवाओगे तो ऑलमोस्ट इसका दाम हमें लग रहा है 3000 के अप्रोक्स होगा, और 250 GB 3000 के अप्रोक्स में है, और 1 TB आपका जो हार्ड डिस्क है SSD जो है वो 3000 में है। तो सोचो, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर से बना है जिससे आपका पेन ड्राइव बना है, लेकिन इसकी स्पीड फास्ट है, डेटा को ट्रांसफर रेट जो है इसमें वो फास्ट है। इसमें ट्रांसफर रेट आपका क्या है, डेटा का फास्ट है। ट्रांसफर रेट क्या होता है, एसएस टाइम क्या होता है, लेटेंसी टाइम क्या होती है, सीक टाइम क्या होता है, वो अभी यहां पे आते हैं। ये सब चीज किस में फास्ट है, SSD में फास्ट है। आ जाओ,
अभी हार्ड डिस्क की बात करते हैं, तो हार्ड डिस्क का थोड़ा सा मैं फिगर आपको बता दूं। ये हार्ड डिस्क है, देखो ये चीज, ये फिगर क्लियर हो रहा है आपको? जल्दी से बताओ भाई, हार्ड डिस्क देख रहे हो, फिगर क्लियर हो रहा है? आज क्लास 2 घंटे चलेगी, टेंशन ना लो, जब तक इसको खत्म नहीं करेंगे। ये क्लियर हो रहा है? इसमें देखो क्या होता है, ये प्लेटर्स होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? प्लेटर्स बोला जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बोला जाता? और बीच में ये जो लगा हुआ है, जिसमें ये प्लेटर्स लगे होते हैं, ऐसे प्लेट लगी होती है एक तरह से, थाली देखे हो ना ऐसे, अगर किसी उस पे, इस पे अगर मैं प्लेट लगा दूं ऐसे सर्कुलर प्लेट्स, तो इसको स्पिंडल बोला जाएगा। तो वही यहां पे ये स्पिंडल होता है, ये प्लेटर्स होते हैं। ये पूछता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेटर, अब प्लेटर्स जो होता है वो मैग्नेटिक्स, इस पर क्या होता है, मैग्नेटिक एक तरह से बोला जाए कि ऊपर से लेयर चढ़ाया गया होता है इसमें, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की। अब उसके बाद से हम बात करें इस पे, ये जो आपका है यहां पे आप देख रहे हो, जब हार्ड डिस्क खोलोगे तब ये सब दिखेगा, ऊपर से तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। यह आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, यहां पर देखो इसको स्लाइडर हेड बोलते हैं, यहां पे आगे जो है इसको स्लाइडर हेड बोलते हैं। ये एक्यूटर एक्सिस है यहां पर, और ये आर्म है, ये रीडर है एक तरह से बोल सकते हो, कि कहाँ आपको जाना है, किस प्लेटर्स पे जाना है, किसको करना है, ठीक है। बाकी ये सब इंटरफेसिंग का काम करते हैं, कनेक्टिविटी का काम करते हैं, ये केस है। अभी इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देखें, समझें तो आ जाओ। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझने के पर्पज से देखें, तो यहां देखो क्या है कि हार्ड डिस्क मान के चलो ऐसे प्लेट ऊपर ऊपर लगी है, ऐसे ऐसे ये स्प्लेंडर है आपकी पूरी आई है, इसी में ऐसे प्लेट एक के ऊपर एक के ऊपर लगी रहती है, तो इसी को प्लेटर्स बोलते हैं, सिलेंड्रिकली ऐसे। तो ये सिलेंड्रिकली एक के ऊपर ऐसे ऐसे लगे होता है, ठीक है, हार्ड डिस्क में, ठीक। अब क्या है कि जब भी आप कोई डेटा, मान लो डेटा आपका जो स्टोर होता है ना, आपको इसी फॉर्मेट में स्टोर होता है। यहां देखा यूज सेक्टर, आप कभी अपने हार्ड डिस्क में डिफ्रेगमेंटर करना, डिस्क डिफ्रेगमेंटर करोगे तो वहां पे आपको कलर वाइज दिखता है, तो उसमें लिखा रहता है इसका मतलब स्पेस खाली है, इसका मतलब स्पेस भरा हुआ है। अब जब डिसफ्रेगमेंट करते हो उसको, तो वो क्या करता है कि एक जगह सभी स्पेस जो खाली है वो इकट्ठा कर देता है, और जो भरे हुए स्पेस है उनको इकट्ठा कर देता है। तो उससे आपकी जो स्पीड होती है ना, आपको हार्ड डिस्क को एसेस करने की, कोई भी रखने की, वो फास्ट हो जाती है, चाहे उससे कोई सामान लेने की स्पीड फास्ट हो जाती है। इसीलिए बीच बीच में आप अपने हार्ड डिस्क को डिफ्रेगमेंट जरूर करते रहिए। हाँ, मैं कहां पे था कि मैं बोल रहा हूं कि यहां पे प्लेटर्स आपके लगे हैं, और प्लेटर्स वही आपके सेक्टर में डिवाइड होते हैं, ये आपके कई सेक्टर हैं, एक सेक्टर, दो सेक्टर, इसी को सेक्टर बोला जाता है, जो पाथ, सॉरी, इसको ट्रैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रैक। जैसे देख रहे हो ना, सर्कुलर ऐसे पाथ अगर होता है कोई, दौड़ने वाला ट्रैक, इसी को बोला जाता है ना ऐसे, ये ट्रैक हो गया, ये जितने हैं ट्रैक हो गए। देखो अगर फिजिकली डैमेज नहीं होगा सेक्टर, तब तो सही हो जाएगा। क्या होता है ना, कभी कभी फिजिकली डैमेज हो जाता है, जो हेड होता है उससे उससे वो चीजें डैमेज हो जाती है पर्टिकुलर की, तो वहां की मेमोरी आपकी सही नहीं हो पाती है। ठीक, तो ये आपका होता है ट्रैक, और ये ट्रैक आपके कई सेक्टर में डिवाइड होते हैं। सपोज करो ये कई सेक्टर में ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे जब जाओगे तो इसके कई सेक्टर आपके डिवाइड रहेंगे, ठीक है, तो इनको सेक्टर बोला जाएगा। इतना जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको सेक्टर बोला जाएगा। ये मान लो अगर ट्रैक 1 है, ये ट्रैक 2 है, तो ऐसे ही इसमें भी आपका ये सेक्टर होगा, इसका भी नामकरण होगा, सेक्टर का एड्रेस होगा सेक्टर 1, इसी में आपका डेटा सेव होता है। तो एक प्रश्न पूछता है कि आपका सीक टाइम क्या होता है, किसी को पता है सीक टाइम क्या होता है हार्ड डिस्क में? सीक टाइम क्या होता है? सपोज करो आप कोई डेटा सर्च कर रहे हो, आपको किसी फाइल को उठाना है, आप जाते हो, आप नहीं समझ पाते हो कि वर्किंग कैसे हो रही है, क्योंकि वो आपके सामने तो होती नहीं, आप जाते हो फाइल पे ऐसे क्लिक करते हो तुरंत ओपन हो जाती है। एक्चुअली जब आप वो प्रोसेस कर रहे हो, वो किसी आपका हार्ड डिस्क के किसी कोने में तो ही छुपा हुआ है, आपने सेव किया उसको किसी जगह पे, लेकिन आपको वो फिजिकली समझ में नहीं आता कि कैसे हो रहा है,
वो ऐसे होता है कि मान लो कहीं स्पेस पे पड़ा है, किधर भी स्पेस पे पड़ा है, सपोज करो आपका जो मैटर है वो कहीं आपका यहां पर पड़ा हुआ है, इस जगह पड़ा हुआ है, इस वाले में, यहां पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। आपका जो हेड है, पहले जिस जो हेड आपका जो रीड करता है, रीडर हेड है आम वाला, वो क्या करेगा, सबसे पहले तो उस ट्रैक पे जाएगा। ये किस ट्रैक में है, मान लो इसको ट्रैक वन दिए, इसको टू दिए, तो ये थ्री में है ना, तीसरे ट्रैक पे है। तो अगर हेड को मान लो पहले ट्रैक पे है, तो पहले ट्रैक से तीसरे ट्रैक पर जाने में जो समय लगा, क्योंकि आपका जो डेटा है वो तीसरे ट्रैक में है, और लेकिन जो आपका रनिंग हेड है, जो रीड करने वाला हेड है, वो अभी पहले ट्रैक पे है, तो यहां से वो तीसरे ट्रैक पे जाएगा, तो उसको जो समय लगा उसी को कहते हैं सीक टाइम। लिख लेना, सीक टाइम क्या हो गया कि जो आपका ये हेड है उसको उस पर्टिकुलर ट्रैक पे जहां पे आपका डेटा सेव है वहां तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको कहते हैं सीक टाइम। और इसी में होता है एक लेटेंसी टाइम। लेटेंसी टाइम क्या हो गया, जब आप उस सेक्टर में, आप उस ट्रैक पे पहुंच गए, तो उस ट्रैक से उस सेक्टर में जहां आपका डेटा स्टोर है, मान लो आपने यहां पे पहुंचा, आपका हेड यहां पे पहुंचा, मान लो यहां पे सेक्टर यहां है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर, कई सेक्टर है आपका, मान लो ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा है, ये चौथा, आपका सेक्टर यहां पे है, तो यहां से यहां पर पहुंचने में आपका डेटा जो है इस सेक्टर में है, चाहे इसी सेक्टर में मान लो दूसरे वाले में है, तो यहां अगर अगर आपका पहुंचा है अगर हेड, तो यहां से यहां पहुंचने में जो समय लगता है एक ट्रैक से एक पर्टिकुलर सेक्टर में पहुंचने में जहां डेटा आपका सेव है, जो समय आपको इस हेड को लगेगा वो कहलाएगा लेटेंसी टाइम, और इन्हीं दोनों का जो टाइम होगा प्लस करके कहलाता है एसएस टाइम। किसी डेटा को एसएस करना मतलब वहां तक पूर्ण रूप से पहुंचना जो होता है वो क्या कहलाएगा, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। ठीक है, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम क्या होता है, एसएस टाइम होता है। समझ गए मेरी बात को, एसएस टाइम इसको मतलब एक ट्रैक पर जाने का हेड का, उस पर्टिकुलर ट्रैक पर जाने का समय, फिर उस समय उस ट्रैक से उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां डेटा आपका सेव है वहां जाने का समय, उन दोनों को प्लस करके ही कहा जाता है कि इतने देर में हमने इस डेटा को एसेस कर लिया। ठीक है, अब एसेस करने के बाद एक चीज आती है ट्रांसफर रेट। क्या आता है, ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या होता है, ट्रांसफर रेट क्या हो गया कि जब आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे पहुंच गए, तो या तो डेटा को आप रीड करोगे या राइट करोगे, दो ही काम करोगे, या तो उस पर कुछ लिखोगे या वहां से डेटा पढ़ोगे, तो रीड या राइट करने में जो समय लगा आपको डेटा उस सेक्टर में वहां पहुंचने पर, उसी को कहा जाता है ट्रांसफर रेट। कितना तेज डाटा आपका, कितने समय में आप डेटा को रीड किए या कितने समय में आपने डेटा को वहां पर राइट किया। नहीं, आज आपको नोटिफिकेशन दिया गया होगा कि सर की तबीयत खराब है, इसलिए आज मैं ही आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, पढ़ा दे रहा हूं। डेमोग्राफी वाले सर की तबीयत खराब है, इसलिए क्लास आज उनकी ऑफ रहेगी। तो ये क्या हो गया, ये आपका ट्रांसफर रेट हो गया, रीड या राइट करने में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पहुंचने के बाद जो समय लगता है कि कितने तेजी से वो आप डेटा को वहां ले रहे हो, कितना समय दे रहे हो, तो वही ट्रांसफर रेट होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हार्ड डिस्क की अपेक्षा किसमें मैंने बताया, एसएसडी में सबसे तेज होती हैं। ठीक है, एसएसडी में तेज होती हैं। ये कैसे पता चलेगा कि टोटल कितने सेक्टर होते हैं, ठीक है, वो तो आपके टीबी जीबी पर डिपेंड करता है ना कि वो इंटरनली कितना, क्योंकि वो आप हम नहीं समझ पाएंगे कैसे सेक्टर डिवाइड है, मैन्युफैक्चर ही डिवाइड करके उसको भेजता है, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता है धनंजय जी। ठीक है, मेमोरी जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, नंबर्स ऑफ सेक्टर और ट्रैक बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप 500 MB का मेमोरी ले रहे हो उसमें नंबर ऑफ ट्रैक और सेक्टर कम होंगे, अब उसको किस हिसाब से डिवाइड किया गया है वो तो, क्योंकि वो प्लेट आप देख के नहीं समझ सकते हो कि उसमें आप सपोज करो आपने सवाल पूछ दिया, मैं आपको अगर सीडी दे दूं, सीडी में क्या देखते हो, कुछ पता चलता है उसमें कितने ट्रैक हैं, उसमें खाली कलर ऐसे ऐसे दिखता रहता है, मगर वो भी ट्रैकिंग वाइज आपका होता है,
ठीक है, तो वो आप पता नहीं कर सकते हैं, वो मैन्युफैक्चरर पे ही होता है, ना ही इसको निकालने का कोई फॉर्मूला है, वो अपने अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं। ये समझ में आ गया, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, एसएस टाइप, ट्रांसफर रेट, ये सब सब चीजें हो गई, ये हार्ड डिस्क से हो गया। अब आ जाओ, हार्ड डिस्क हमने आपको बता दिया, हार्ड डिस्क के बाद आप जब आओगे, हाँ हार्ड डिस्क के बाद आ जाओ सीडी ड्राइव में। सीडी ड्राइव, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, 512 ट्रैक कैसे हो सकता है, ये तो फिक्स नहीं हो सकता है, ये किस किताब में आपने पढ़ लिया। क्योंकि अगर मेमोरी का साइज बढ़ा गया, अगर मेमोरी का साइज बढ़ा गया तो बढ़ता जाएगा, हो सकता है कुछ उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट हो, ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं, जैसे पहले के में कम आता था, वो मैं आपको बता दूंगा देख के, अगर कुछ ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट होगी, 512 नहीं होगा, 512 तो बहुत कम हो जाएगा, 512 सेक्टर मतलब कितना डाटा वो सेव कर पाएगा, समय के अनुसार वो बदलता रहता है, तो जो चीज बदलती रहती है जिसमें एडवांसमेंट होता रहता है, वो बहुत कम चांसेस है पूछे आपसे, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर ही उस समय बना बता के देगा कि अच्छा इस समय के जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं 1 TB वाले, उसमें इतने सेक्टर्स को एक क्या बोला गया है कि मान्य कर दिया गया, 500 GB का जब एक टाइम चलाता तो हो सकता था उसमें इतने सेक्टर्स रहे हों, इतने प्लेटर्स रहे हों, तो सभी लोग उसी का यूज करते रहे होंगे, तो वो एक स्टैंडर्ड, ठीक है, एक बार भेजना भेजना, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि क्या है कि वैसा होना बहुत कम चांस है कि 1 TB 512 GB, ये अलग अलग 500 GB में फिर सेक्टर्स के अलग हो जाएंगे मायने, ठीक है, मैं देखूंगा एक बार, मेरे हिसाब से मेरी लॉजिक तो यही बोलती भाई साहब, क्योंकि आपका जैसे जैसे मेमोरी बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है आपके सेक्टर्स और प्लेटर्स बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्चुअली यही होना चाहिए, ठीक है। सीडी ड्राइव में आ जाएं तो सीडी ड्राइव आपके, चलो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया। अब इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क में आपके कई आते हैं, ठीक है, आपके सीडी, एक आता है सीडी रोम, सीडी, ठीक है, एक रोम हो गया, एक आपका रीड हो गया, और एक सीडी RW हो जाएगा, रीड राइट, ये तीन पैट में बांटा गया है, ठीक है। अब यहां सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है कि जो सीडी रोम है ये कैसी डिवाइसेस हैं, इसमें जो भी डेटा आपको सीडी का जो चिप देखे हो, सीडी देखे हो, ऐसे होती है, ठीक है, ऐसा होता था, तो इसमें जो भी डेटा आपका इसमें से स्टोर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ, किससे किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट से किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल ड्राइव बोला जाता है, क्योंकि डेटा जो होता है ऑप्टिकल के माध्यम से, लाइट के माध्यम से होता है, तो ऑप्टिकल ड्राइव बोला जाता है। और इसकी अगर सबसे ज्यादा पूछता है कि सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी आपकी जो है रोम की कितनी होती थी, जो सीडी आपकी आती थी
उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एक सीडी, क्योंकि दो सीडियां आती थी, कोई भी अगर मूवी देखो चाहे कुछ भी देखो तो दो सीडी में कंप्लीट होता था, 640 एमबी से लेकर 680 एमबी तक का आता था ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी। इसमें फिक्स था, इसमें फिक्स है, अगर आपको सीडी का पूछे स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, क्योंकि इनका फिक्स होता था कि इतना होगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछता था कि इतना एमबी इसका स्टोरेज होगा। ये हो गया रीड, सिर्फ आप रीड कर सकते हो जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा गया, सीडी रीड और रीड राइट। ठीक है, यहां पे आप एक बार उसमें डेटा डाल दिए तो उसके बाद फिर आपका नहीं कन्वर्ट होगा। यहां तो आपका जो आया पहले से करके वो हो गया रीड ओनली मेमोरी। यहां पे क्या आप लेके आए और उसमें कोई डेटा डाल दिए तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। यहां सीडी आर का रीडेबल मतलब होगा रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल का मतलब हो गया सीडीआर का मतलब कि आप सीडी खरीद के लाए, उसमें कोई डेटा आप डाल दिए, बर्न करा दिए, लेकिन बाद में सोचे कि इसको हम फिर से डिलीट करके कोई और डेटा डाल दें सीडी में, तो वो नहीं होगा। ये इसकी खासियत होती है। और सीडीआरडब्ल्यू में क्या होता है, रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब आप एक बार रीड भी कर लिए और उसको डिलीट करके फिर राइट भी कर सकते हो, फिर रीड डिलीट करके फिर राइट कर सकते हो, तो उसमें रीड एंड राइट ऑपरेशन आप मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, देख लेना ये 640 से 680 और कोई कोई इसमें 700 तक भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत कम चांसेस से पूछेगा, तो ऑलमोस्ट ये ध्यान रखना कई उसमें स्टैंडर्ड में यही माना जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका डीवीडी आया, डीवीडी में एक खासियत क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी और आपको बढ़ा दी गई। डीवीडी में स्टोरेज कैपेसिटी आपकी और बढ़ा दी गई, चलो ठीक है, कई जगह आपको ये मिलेगा और कई जगह ये जो है ना 650 से 700 वाला रेंज ये भी मिलेगा, देख लेना जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अभी हम बात करें डीवीडी की, बात करें इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन आया, उस समय डीवीडी प्लेयर भी आ गए, पहले सीडी प्लेयर थे, अब डीवीडी प्लेयर भी आ गए। अब क्या होता था, एक मूवी आपकी एक सीडी में आ जाती थी, एक मूवी आपकी एक सीडी में आ जाती थी, तो इसका रेंज आपका चला कुछ 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी तक, इतना तो आ ही जाएगा, इसी के अप्रोक्स में था। ठीक है, 4.7 जीबी से लेकर 17 जीबी, फ्लॉपी डिस्क का यूज नहीं हो पाता है क्या आप फ्लॉपी डिस्क कहाँ, अरे यार वो कहाँ एमबी में स्टोरेज करता था उसका, अब आज का जमाना कहाँ पहुंच गया, तुम फ्लॉपी डिस्क की बात कर रहे हो। ठीक है, डीवीडी में, और डीवीडी में भी यही आता था, डीवीडी रोम, डीवीडी राइट, डीवीडी आरडब्ल्यू। ठीक है, इसके भी कैसेट जो डीवीडी भी ऐसे ही ऑप्टिकल ड्राइव होता था, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा थी, बस यही अंतर है। ठीक है, इसमें भी और आया एक ब्लू रे डीवीडी। अब इसका क्या है, ये हाई डेफिनेशन गेम या वीडियो, हाई डेफिनेशन गेम या वीडियो को स्टोरेज करने के लिए ये आया था। ठीक है, गेम या वीडियो को स्टोरेज करने के लिए आया था ये ब्लू रे जो आया था। ठीक है, हाँ अभी बता रहे कहां से आपसे पूछेगा फ्लॉपी डिस्क के, कहां से प्रश्न पूछेगा, तो यह चीज समझ में आ गई। अभी आपका डीवीडी सीडी ब्लू डे हो गया सब कुछ, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो फ्लॉपी डिस्क की आप लोग बात की हो। फ्लॉपी डिस्क भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस था, पहले के समय में जमाने में यूज होता था, आज के समय में बहुत नहीं यूज होता है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड साइज आती है वो पूछता है, एक आता है 8 इंच, ये भी ऐसे होता था काले कलर का होता था सीडी के स्ट्रक्चर का,
मैग्नेटिक यहां पर कोटेड होता था काला काला, वो यूज होता था ठीक है यहां पर। और इसकी साइज जो स्टोरेज बोला जाए वो कम होती थी, 8 इंच में आती थी ये, इसकी पूरी जो होती थी वो 8 इंच का डायमीटर होता था। और उसके बाद से 5.25 इंच का आता था। ये पूछता है कि इनमें से कितने इंच का ये आता है, तो ये जरूर पूछता है फ्लॉपी डिस्क की क्या साइज होती है ठीक है। और एक आता है 3.5 इंच का, 3.5 इंच का, तो ये आपके तीन साइज में अवेलेबल होती थी। और तीनों के स्टोरेज आपसे पूछे तो इसको ध्यान रखना, जो ये था इसका 1.2 MB मैक्सिमम स्टोरेज था, 1.2 MB, और 3 पॉइंट का 1.44 MB इसका स्टोरेज था। और इसका 8 इंच वाले का जो था वो आपका कई तक आया था, जो 8 इंच वाला मैग्नेटिक, इसमें जो आपका ये अभी ऑप्टिकल डिवाइस था ये मैग्नेटिक डिवाइस था, मैग्नेटिक। अब इसमें जो था ये ऑलमोस्ट केबी, कुछ केबी से लेकर 80 KB से लेकर 242 KB तक था, 80 KB से लेकर 242 KB तक था इसका स्टोरेज ठीक है। तो ये कभी कभी आपसे पूछ देता है ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो और कुछ यूनिट है बाकी, मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, जो आपका रह जाएगा वो हम मैं उससे कवर कर लूंगा। डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, ब्लूरे हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया। अब आपके पास बच रहा है फ्लैश ड्राइव के, मैंने बता ही दिया फ्लैश ड्राइव वही पेन ड्राइव वाले होते हैं ठीक है, जो आपके यूज हो रहे हैं। उसकी भी स्टोरेज कैपेसिटी आजकल ज्यादा हो गई है, 1 GB से लेकर 512 GB तक पेन ड्राइव आने लगी हैं। मैग्नेटिक टेप 60 MB से लेकर 1 TB तक, टेप वही जो कैसेट वाला प्ले करते थे ऑडियो में डाल के रिकॉर्डर में, तो वही मैग्नेटिक टेप होता था ठीक है। और अभी एक बात कर लें थोड़ा सा कि आपका 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 byte होता है, सब जानते हो ये पूछा है कई बार। अच्छा 4 बिट बराबर क्या होगा ये मुझे बता दो थोड़ा सा, 4 बिट बराबर क्या होगा, 1 nibble होगा ठीक है, 4 बिट बराबर 1 nibble होगा, 1024 byte बराबर क्या होगा, 1024 byte बराबर क्या होगा, 1 KB होगा, 1 KB होगा ठीक है। 1024 KB बराबर क्या होगा, आगे ऐसे ही सब कुछ चला जाएगा, किलोबाइट हो गया, किलो के बाद क्या आ गया, मेगाबाइट आएगा, 1 MB हो जाएगा। उसी तरह 1024 MB बराबर क्या होगा, MB के बराबर बाद में क्या आता है, MB के बाद GB आया तो 1 GB हो जाएगा। फिर 1024 GB बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा बताओ, GB के बाद अब क्या ट्रेंड है, TB का ट्रेंड है भाई, तो TB का फुल फॉर्म क्या, गीगाबाइट टेराबाइट, इसका क्या होता है, टेराबाइट, और ये गीगाबाइट और ये मेगाबाइट ठीक है। फिर 1024 TB बराबर, अब आगे क्या आएगा, अब इसके आगे कोई देखा है मेमोरी की यूनिट, कहीं देख रहे हो यूज हो रहा है। एक दिन मैंने बताया था सुपर कंप्यूटर वाले में कि ये मेमोरी में भी होता है, स्पीड में भी यही यूनिट चलती है। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, जियोबाइट, अभी तक जो खोजी गई है 1 जियोबाइट GB, 1 जियोबाइट, 1 जियोबाइट ठीक है। 1024 TB बराबर क्या हो जाएगा, पेटाबाइट PB ठीक है, 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर इसके बाद क्या आएगा, एक्साबाइट, अब आएगा 1 एक्साबाइट, एक्साबाइट। इसी पे अभी सुपर कंप्यूटर की स्पीड चल रही है, 1 एक्साबाइट 2 एक्साबाइट पर चल रही है, जो खोजी गई है वहां अमेरिका वाली। अब देखो 1024 एक्साबाइट बराबर,
जेटाबाइट, ये क्या हो जाएगा, 1 जेटाबाइट, ठीक है, और 1 जेबी बराबर 1024, जेबी बराबर 1 योटाबाइट, ठीक है, 1 योटाबाइट, और 1024 YB बराबर 1 ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट, और 1 ब्रोंटोबाइट 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर, आपसे क्वेश्चन में बता दे रहा हूं कहां तक पूछेगा, 1 जियोबाइट, ये सब नहीं पूछेगा, मैक्सिमम आपसे अगर पूछेगा तो सिर्फ यहां तक, क्योंकि रेगुलर जो यूज हो रहा है आजकल वो ये यूज आ रहा है, और जनरली आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यही तक पूछेगा, इससे आगे नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे आगे आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो मेमोरी आपकी पूरी फिनिश हो गई, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेंगे, मेमोरी आपकी फिनिश्ड हो गई, कल हम लोग इस पे एमसीक्यू करेंगे, सभी लोग तैयार रहना, ठीक है, जो भी प्रश्न होगा आपसे मैं पूछूंगा, आप लोग आंसर बताना, 50-100 प्रश्न कर लेंगे कल तेजी से। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।